नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक फ्रीलांस साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूं और मैं आपके साथ PGDCS प्रोग्राम में जुड़ा हूं। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स वर्क में आज हम इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में और आज के लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। पहला होगा, हम जानेंगे कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। हम साइबर क्राइम को क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में साइबर क्राइम की हायरार्की क्या होती है। हम साइबर क्राइम करने के रीजंस को समझेंगे, इनके पीछे जो मकसद है या कुछ कारण जिनके वजह साइबर क्राइम होता है वो हम देखेंगे। अलग अलग तरह के मालवेयर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिन्हें भी कहते हैं, हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको भी एक बार समझेंगे किस तरह के मालवेयर होते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम की जो बुक डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं, इट इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी इन विच कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एक्सेट्रा विच आर स्टैंड अलोन और अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क आर यूज्ड एज अ टूल और एंड टारगेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब कि या तो वो खुद टारगेट हो सकते हैं या वो पार्ट हो सकते हैं, एडवर्सरी का पार्ट भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इट इज ऑफन कमिटेड बाय द पीपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिमिनल माइंडसेट, आइदर फॉर रिवेंज, ग्रीड और एडवेंचर। तो अगर क्लासिफाई किया जाए साइबर क्राइम को तो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक कहते हैं कि इनसाइडर अटैक होता है, कोई अंदर से ही आपको अटैक करे, और एक जो दूसरा है वो है एक्सटर्नल अटैक, कोई बाहर से एंटिटी आपको अटैक करे। ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी, अटैक्स के मेच्योरिटी के बेसिस पे अगर हम इसको मॉडल करना चाहें तो एक अनस्ट्रक्चर्ड अटैक हुआ, एक स्ट्रक्चर्ड अटैक हुआ। अनस्ट्रक्चर्ड अटैक जिसमें कोई स्पेसिफाइड या डिफाइंड तरीका नहीं है, कुछ नए नौसिखिया हैकर्स को कुछ टूल्स मिले हैं वो उन्हें ट्राई करना चाहते हैं और उसके बाद उनका कोई आगे मकसद नहीं है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड अटैक आमतौर पर काफी बड़े जो साइबर ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर एक कंपनी या एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे स्ट्रक्चर में जो साइबर ग्रुप है हमेशा जुड़ा रहे, वो अलग अलग अपने अपने रोजमर्रा के कामों में भी व्यस्त हो सकते हैं, बट किसी एक साइबर क्राइम के लिए क्विकली जुड़कर उसको अचीव कर सकते हैं। इनके पीछे साइबर क्राइम कमिट करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो है मनी। सबसे पहला रीजन, मनी इज वन। नंबर टू रीजन, रिवेंज, किसी से बदला, किसी इंसान से बदला, किसी कंपनी से बदला, फन, मौज के लिए, खुशी के लिए कि देखा मैंने उस वेबसाइट को डाउन कर दिया और कोई नहीं कर पाया, ये सिर्फ फन हुआ। रिकॉग्निशन कि आज तक वो वेबसाइट, वो सिस्टम, वो कंप्यूटर, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डाउन नहीं हुआ, मैंने किया है, आई एम केपेबल, ये रिकॉग्निशन वाली बातें हुई। अनोनिमिटी एक ऐसा रीजन है जो एक सीधे साधे बंदे या कॉमन मैन को भी कुछ क्राइम करने में प्रोवोक कर सकता है। अगर आपको मालूम चले कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्राइम किया है, तो इनोसेंट पीपल ऑफ गुड नेचर कैन ऑल्सो कमिट क्राइम इन दी नेम ऑफ अनोनिमिटी। अगला रीजन, साइबर एस्पियोनाज, ये दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, दो कंपनीज के बीच में हो सकता है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। ये एक रीजन है जो साइबर क्राइम को करने के पीछे होता है। आइए देखते हैं कि मालवेयर कितने टाइप के होते हैं। मालवेयर का शब्द जो है वो कहाँ से आया,
वो आया मलिशियस सॉफ्टवेयर से। मलिशियस माने ऑफ रॉन्ग इंटेंट, उसका इंटेंशन गलत हो, तो उससे मालवेयर बन गया। पहला मालवेयर का उदाहरण जो है वो है एडवेयर। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आप तो भले ही amazon.com पे जा रहे हैं, आप तो भले ही फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं या गूगल को, याहू को खोल रहे हैं, सडनली कई सारे पॉपअप्स, इंडिविजुअल विंडोज आ जाते हैं और आपको उन वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट किया जाता है, आपका होम पेज बदल दिया जाता है। तो ये एडवेयर है, इसको एडवर्टाइजिंग वेयर भी कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के बहाने से, के उद्देश्य से ये एडवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और आपके इंटेंडेड वेबसाइट पे जाने से पहले आपको ये अपनी वेबसाइट पर ले जाता है। अब इसके पीछे पैसा कौन देता है, ये कैसे बनते हैं, उनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये उन कंपनीज के द्वारा फंडेड होता है जो कि अपनी एड कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा हुआ स्पाईवेयर, जो आपकी एक्टिविटी, जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, हो सकता है आपके की लॉग्स, आपके टाइप किए हुए वर्ड्स कंप्यूटर से कैच करके अपने सर्वर्स को पीछे भेजता रहे अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, तो स्पाईवेयर दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप हुआ ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका ब्राउजर जो है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, आपके पेज विजिट्स, आपके की लॉग्स, आपके वेबसाइट इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को लॉग इन किया जाता है और अपने सर्वर्स पर जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं भेजा जाता है। चौथा हुआ जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग इन सबको एक तरह से वायरस के नाम से कैटेगराइज करते हैं, बट वायरस और एडवेयर और स्पाईवेयर में फ़र्क होता है। तो वायरस एक अलग मालवेयर हुआ। वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक यूज़र, उस कंप्यूटर, उस स्मार्टफोन को यूज़ करने वाला यूज़र उसे एक्टिवेट ना करे। अगला एक मालवेयर है वो है वर्म्स। वर्म्स का नाम वर्म्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने आप रेप्लिकेट हो जाते हैं। ये एक से दो, दो से चार, दो से चार से छः, से आठ, से 32, 16, किसी भी तरह से बढ़ सकते हैं जो भी कोडेड होगा। और इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये नेटवर्क पे स्प्रेड हो जाते हैं। आप नेटवर्क, जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट हो, आपका लोकल लैन हो, या कहीं वाईफाई में आप कनेक्टेड हो, तो एक मशीन से, एक स्मार्टफोन, एक डिवाइस से दूसरी वेबसाइट डिवाइस तक ये पहुंच जाते हैं। अगला हुआ ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रोजन हॉर्स नाम कहाँ से आया। तो ग्रीस में एक सिटी थी, सिटी ऑफ ट्रॉय। अगर आप में से कई लोगों ने मूवी देखी हो ट्रॉय, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ग्रीस की वो सिटी, सिटी ऑफ ट्रॉय, बहुत ही संपन्न थी, लोग बहुत खुश थे उसके अंदर, और दूसरी सिटीज उसको कॉन्क्वेयर करना चाहती थी। बहुतों ने कोशिश की, सब तरह के तरीके अपनाए, सिटी ऑफ ट्रॉय को वो भेद नहीं पाए। तो ट्रोजन हॉर्स कैसे आया, इससे कैसे जुड़ा हुआ है? तो एक दूसरे सिटी के महाराज ने ट्रॉय को एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का घोड़ा भेंट दिया। तो वो घोड़ा काफ़ी बड़ा था, सिटी ऑफ ट्रॉय के जो बाउंड्री वॉल थी, बड़े बड़े गेट थे, उस साइज़ का था। तो उसके लिए सबसे बड़ा गेट सिटी ऑफ ट्रॉय का खोला गया, उस घोड़े को अंदर भेजा गया, और जैसे ही वो घोड़ा अंदर पहुंचा, उसके अंदर से तमाम सैनिक दूसरी सिटी के बाहर निकले और सिटी ऑफ ट्रॉय पर धावा बोल दिया गया। तो उसी तरह से आप ट्रोजन हॉर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट, एक सही दिखने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर बंधा होता है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, आप डबल क्लिक करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ज़रूर नहीं एक्टिवेट हो तो आपको पता चले, कई बार ये सिर्फ रिमोट एक्सेस देने के लिए होता है, कई बार ये सिर्फ
स्लीपिंग सेल के हिसाब से काम करता है और आपके की लॉग्स अपने सर्वर पर भेज देता है। ये कई बार सिर्फ और सिर्फ डिनायल ऑफ सर्विस में काम आता है। आप डिनायल ऑफ सर्विस में एक कंट्रीब्यूटर के रूप में और कई बातों में सिर्फ बाकी ट्रोजन डाउनलोड करने का काम करता है। तो ये हुआ मालवेयर। लेटेस्ट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स जो आजकल मार्केट में जिनका नाम काफी पॉपुलर है वो है स्केयरवेयर, डरा के आपसे डराने टाइप के सॉफ्टवेयर्स, आपसे डरा के कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। दूसरा नाम इनका रैंसमवेयर भी है, आपसे कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो रीसेंट एग्जांपल जो मैं दूं आपको वो है वॉनाक्राई, वॉनाक्रिप्ट, पेटिया और नॉट पेटिया, ये कुछ नाम है, बैड रैबिट, क्रिप्टो लॉकर। तो क्या होता है कि आप एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर हो सकता है कि ट्रोजन हॉर्स हो, वायरस हो, वर्म हो, और आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स को ओवर टाइम इनक्रिप्ट करके लॉक कर दिया जाता है और आपके डेस्कटॉप पे मैसेज आता है कि आपको इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, हम आपकी फाइल्स को डिक्रिप्ट करके आपको दे देंगे। तो पैसा कैश भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, बिटकॉइन के रूप में हो सकता है, बिटकॉइन आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो ये हुए रैंसमवेयर के टाइप्स। ये कुछ रैंसमवेयर के फेमस रैंसमवेयर के मैंने आपको नाम भी बताए। अभी देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या समझा। हमने ये समझा है कि साइबर क्राइम, द टर्म साइबर क्राइम इज यूज टू डिस्क्राइब अ अनलॉफुल एक्टिविटी इन विच कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स विच आर स्टैंड अलोन और अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क आर यूज एज अ टूल नेटवर्क टू अटैक द टारगेट मशीन। तो आप एक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस खुद उस अटैक को करने के पार्ट भी हो सकते हैं और उस अटैक के विक्टिम भी हो सकते हैं। हमने ये समझा कि साइबर क्रिमिनल का जो इंटेंट है, जो उसकी पोजीशन है, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो सकता है। कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि डिसग्रंटल्ड हो, दुखी हो, गलत तरीके से निकाला गया हो, परेशान हो, वो बाहर जाकर आपकी आपके अगेंस्ट या आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम करे, या कोई इंटरनल एम्प्लॉय जो परेशान हो मगर निकाला ना गया हो वो ऐसा क्राइम करने की कोशिश करे। और हमने ये समझा कि एन अटैक टू द नेटवर्क और द कंप्यूटर सिस्टम बाय सम पर्सन विद ऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस इज नोन एज इनसाइडर अटैक। तो ये हमने अभी आपको बताया। स्ट्रक्चर अटैक के बारे में बताएं तो दे आर परफॉर्म बाय हाईली स्किल्ड पीपल एंड एक्सपीरियंस पीपल। तो ये क्यों कर रहे हैं अटैक, इनको बहुत क्लियर होता है। और जब ये अटैकर इज आइदर हायर्ड बाय एन इनसाइडर और एन एक्सटर्नल एंटिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल अटैक। या तो कोई इनसाइड में बाहर से कोई हैकर को हायर करे तो साइबर क्राइम करे, या कोई बाहर की एंटिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करे तो वो एक्सटर्नल अटैक हुआ। कुछ साइबर क्रिमिनल्स ऐसे भी हैं जो ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे कहिए कि मुझे मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, तो दे विल डू दैट। दे आर ऑलवेज इन द रॉन्ग सेंस, हमेशा इनकी जो इंटेंशन है वो गलत होती है। हमने मालवेयर के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि मालवेयर शब्द कहाँ से आया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर से बना एंड डिजाइंड टू एक्सेस को लेने के लिए या इंस्टॉल्ड होने के लिए किसी कंप्यूटर में विदाउट दी कंसेंट ऑफ द यूजर। स्पाईवेयर क्या होता है, हमने ये समझा कि स्पाईवेयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस, या आप कह लीजिए इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मालवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन द टारगेट कंप्यूटर विद और विदाउट द यूजर्स परमिशन एंड इज डिजाइंड टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट मशीन। आपकी मशीन से वो
बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या हो? आपका पेमेंट सिस्टम, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आप अपने पास अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। तो हमने ये सब समझा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम साइबर क्राइम के काइंड्स के बारे में पता करेंगे। काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम इज देयर इन द सोसाइटी, वी विल सी दैट। थैंक यू।